साल 1988 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुई बीआर चोपड़ा की महाभारत की इन दिनों खूब मांग है। देश में लॉकडाउन के चलते दूरदर्शन ने महाभारत को पुनः प्रसारित किया है। ये शो लोगों को खूब पसंद आया और टीआरपी के मामले में इसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस शो की सफलता के बारे में आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुकेश खन्ना, नीतीश भारद्वाज, गजेंद्र चौहान, पंकज धीर, प्रवीण कुमार, पुनीत इस्सर, फिरोज खान, गूफी पेंटल आदि जैसे कलाकारों को आज भी महाभारत के वजह से ही जाना जाता है। लेकिन एक ऐसा भी कलाकार है जिसने इस सीरियल में काम भी किया, बड़ा किरदार भी निभाया और तो और फिल्मों में भी दिखे, लेकिन फिर भी वो पहचान नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। हम बात कर रहे हैं प्रदीप रावत की, जिन्होंने बी आर चोपड़ा की महाभारत में अश्वत्थामा का किरदार निभाया था। जी हां, प्रदीप रावत ने महाभारत में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का रोल प्ले किया था। सीरियल में उनका काम इतना बेहतरीन था कि हर किसी ने उनकी खूब तारीफ की थी। बता दें कि अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि लगी होती थी, लेकिन अश्वत्थामा ने बड़े पाप को अंजाम देते हुए पांडवों के सभी बच्चों को मार दिया था, जिसके बाद खुद श्री कृष्ण ने सजा के रूप में अश्वत्थामा की मणि बाहर निकाल दी थी और उसे श्राप दिया था कि उसकी आत्मा इस संसार में हमेशा भटकती रहेगी। इसीलिए महाभारत की कहानी जब भी सुनाई जाती है, अश्वत्थामा के बिना वो पूरी नहीं हो सकती। इस किरदार को प्रदीप रावत ने छोटे पर्दे पर जीवित कर दिया था। इस बेहतरीन अभिनय के बाद प्रदीप रावत ने साउथ से लेकर बॉलीवुड तक कई फिल्मों में काम किया, लेकिन जिस फिल्म के लिए उन्हें सबसे ज्यादा जाना जाता है वो साल 2008 में रिलीज हुई फिल्म गजनी है। इस फिल्म से प्रदीप रावत को जबरदस्त लोकप्रियता हासिल हुई थी। फिल्म में वैसे तो आमिर खान हीरो थे, लेकिन मेन विलेन के रूप में प्रदीप रावत नजर आए थे। इस फिल्म से प्रदीप रावत को जबरदस्त लोकप्रियता हासिल हुई थी। फिल्म में वैसे तो आमिर खान हीरो थे, लेकिन मेन विलेन के रूप में प्रदीप रावत नजर आए थे। फिल्म में वो गजनी बने थे। उनके किरदार ने हर किसी में खौफ पैदा कर दिया था। फिल्म लगान में भी प्रदीप रावत ने अहम किरदार निभाया था। कहने को फिल्म आमिर खान के कंधे पर टिकी थी, लेकिन इस फिल्म में प्रदीप रावत ने उंदा काम किया था। लगान में प्रदीप रावत ने देवा सिंह का किरदार निभाया था। इन दोनों फिल्मों के अलावा प्रदीप आमिर खान की फिल्म सरफरोश में भी नजर आए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी कामयाब रही थी और इस फिल्म में प्रदीप रावत ने सुल्तान का किरदार निभाया था। प्रदीप रावत ने साउथ इंडस्ट्री में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। उन्होंने साल 2004 में फिल्म साई के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट विलेन अवार्ड जीता था। इसके अलावा उन्हें उसी फिल्म के लिए दो और अवार्ड मिले थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।